विंडोज़ प्लस ए का यूज़ हम लोग माय कंप्यूटर को ओपन करने के लिए करते हैं। विंडोज़ प्लस ई बटन हम लोग जितना बार प्रेस करेंगे उतना बार माय कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। अल्ट प्लस एफ फोर का यूज़ हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को क्लोज करने के लिए करते हैं। मान लीजिए पावर पॉइंट खुला हुआ है, एक्सेल खुला हुआ है, वर्ड खुला हुआ है, क्रोम खुला हुआ है या कैलकुलेटर, कुछ भी कोई भी फाइल आपका अगर खुला हुआ है तो उसको क्लोज करने के लिए हम अल्ट एफ फोर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर खुला हुआ और इसको क्लोज करने के लिए आपको अल्ट एफ फोर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे क्लोज हो गया। अल्ट एफ फोर बटन प्रेस किए क्लोज हो गया। क्रोम है अल्ट एफ फोर, क्रोम अल्ट एफ फोर क्लोज। ओके, अल्ट एफ फोर का यूज़ हम लोग पीसी को क्लोज करने के लिए भी करते हैं। डेस्कटॉप पे जैसे ही आप अल्ट एफ फोर प्रेस कीजिएगा वहाँ पे शट डाउन ऑप्शन शो करेगा, जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा वो शट डाउन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं जैसे रीस्टार्ट, स्लीप मोड, साइन आउट, आप जो भी चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर इंटर प्रेस कर दीजिएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। विंडोज़ प्लस डी का यूज़ हम लोग डेस्कटॉप पे आने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे एप्लीकेशन आपके ओपन हैं और आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग विंडोज़ डी का यूज़ करते हैं। देख सकते हैं आप एक साइड गूगल ओपन है, पिनबोर्ड ओपन है और जो भी एप्लीकेशन आपके ओपन हो, अगर आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं तो विंडोज़ डी बटन प्रेस करके आप डेस्कटॉप पे आ सकते हैं। अगर आप वापस से विंडोज़ डी बटन प्रेस कीजिएगा तो वापस से सारे एप्लीकेशन आपके जो खुले हुए थे वो शो हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज़ हम लोग न्यू फोल्डर को बनाने में करते हैं। जितने बार हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन प्रेस करेंगे उतना बार हम लोग को नया फोल्डर बन जाएगा। F2 का बटन हम लोग रीनेम या किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए करते हैं। आप जिस भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं उस फाइल पर जा करके आपको पहले क्लिक करना होगा और उसके बाद F2 बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप F2 बटन प्रेस करेंगे वो आपको नाम रीनेम करने का ऑप्शन देगा, उसके बाद आप अपना कस्टमाइज नेम अपना सेव कर सकते हैं। विंडोज़ डी का यूज़ हम लोग टास्क बार पे जाने के लिए करते हैं या फिर टास्क बार को शो करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि आपके टास्क बार पे बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन हैं और आप उनमें से कोई एक ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज़ डी प्रेस करके हम लोग टास्क बार पे जाएंगे और राइट और लेफ्ट एरो की मदद से हम लोग कस्टमाइज अपना ऐप जो भी है सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें ओपन करना है और उस एप्लीकेशन पर जाके हमें इंटर प्रेस करना होगा ओपन करने के लिए फाइल को। Windows 1 or 2 or 3, आप देख सकते हैं मेरे टास्क बार पे बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन हैं। स्टार्ट को छोड़कर
जो भी ऐप्स है वहाँ से हम लोग वन काउंट करेंगे, वन पे है टॉर ब्राउज़र, सेकंड पे विजुअल स्टूडियो, थर्ड पे फोटोशॉप। तो जो भी हम लोग को ओपन करना है, जितने नंबर पे अपना ऐप है विंडोज़ बटन दबा के उतना नंबर हम लोग जैसे ही प्रेस करेंगे, जैसे फोर्थ पे क्रोम है तो विंडोज़ प्लस जैसे ही फोर प्रेस करेंगे तो क्रोम ओपन हो जाएगा, ओके। और फिफ्थ नंबर पे पावर पॉइंट है, विंडोज़ प्लस फाइव प्रेस करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, ओके। और एट पे है अपना कैलकुलेटर, तो जैसे ही विंडोज़ प्लस एट प्रेस करेंगे वो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। विंडोज़ प्लस बी का यूज़ हम लोग नोटिफिकेशन एरिया पे जाने के लिए करते हैं। नोटिफिकेशन एरिया पे जाने के बाद राइट एरो की मदद से हम लोग टाइम पे जाएंगे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे वहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, ओके। और एस्केप प्रेस करेंगे और राइट और लेफ्ट एरो की मदद से वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आइकन्स हैं, आइकन पे क्लिक करने पे जो भी जैसे साउंड का एप्लीकेशन है साउंड पे क्लिक करेंगे तो साउंड आप बढ़ा घटा सकते हैं, बैटरी अपना देख सकते हैं कि कितना परसेंट चार्ज है, या फिर नेटवर्क कनेक्शन आपका है या फिर नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। विंडोज़ प्लस अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो का यूज़ हम लोग मल्टी वर्ड के लिए करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके आप विंडोज़ राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो वो ऐप राइट साइड में चला जाएगा, और विंडोज़ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो वो एप्लीकेशन लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और लेफ्ट में आने के बाद अगर आप अप बटन प्रेस करेंगे तो वो कॉर्नर अप साइड चला जाएगा। ASDF के ऐसे ही लिखा हुआ है, ये किसी भी फाइल या फोल्डर का फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ताकि उसे हम आसानी से फाइंड कर सकें। इस फोल्डर में आप देख सकते हैं बहुत सारे फाइल्स हैं, जैसे ही हम Y प्रेस करते हैं डायरेक्ट ये यूट्यूब पे चला जाता है, 1 प्रेस कर रहे हैं तो 1 से फोल्डर पे चला जाता है, C प्रेस करने पे क्रोम पे चला जाता है, और X प्रेस करने पे XYZ फोल्डर पे चला जा रहा है, G प्रेस करने पे गूगल फोल्डर पे चला जा रहा है। तो कोई भी आपको फोल्डर ओपन करना हो तो जो भी उसका फर्स्ट नेम है उसे टाइप करने पे आप डायरेक्ट उस फोल्डर पे जा सकते हैं। विंडोज़ प्लस आर प्रेस करने पे रन ओपन हो जाएगा। रन ओपन होने के बाद उस पर अगर क्रोम लिखेंगे तो क्रोम ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर विंडवर्ड लिखिएगा तो वो वर्ड फाइल ओपन हो जाएगा। और भी सारे एप्लीकेशन कोड्स है इसके, मैंने लास्ट में दे दिए हैं, चेक कर लीजिएगा।